नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। मैं आलोक शुक्ला, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण UPSI जो आपका 27 अक्टूबर से परीक्षा होनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति जो आपके आने वाले 45 दिनों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग में से बहुत ही ज़्यादा मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, ट्रस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलता है। और उसी एक विश्वास को लेके, उसी प्रेम को लेके मैं इस बार आपको ये जो आपका 45 दिन आपका सामने आने वाला है, आप भी मान के चले 20 दिन आपका सितंबर में है और 27 दिन को मान के ना चले, 25 दिन मान के चले, तो 45 दिन आपके पास सेफ है। और उस 45 दिन में हमारे पास सबसे बेहतरीन रणनीति क्या हो सकती है, क्या एक दिमाग की सोच होनी चाहिए, एजेंसी पेपर कैसे बना सकती है, इन सारे बातों के हम बहुत समग्र रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर आपका क्या होगा, पिछली बार कट ऑफ की अपेक्षा इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, इन सब की बातें हम लोग बहुत छोटी से वीडियो में यहाँ पे कोशिश करेंगे पूरी बात करने को। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को शेयर भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं UPSI का जो 2000 है ना, UPSI 2021 में जो आपका पेपर होने जा रहा है इसके लिए सीधा हमारा जो 27 अक्टूबर अभी जो पेपर में, और लगभग ये डेट तय है मान के चलिए, क्योंकि आपका बहुत तेजी से जो एजेंसी भी है और बहुत तेजी से आयोग भी आपका URPP भी दोनों लगा हुआ है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। पैटर्न के बारे में सबको पता होगा, सिलेबस के बारे में सबको पता होगा, जो क्रक्स है, जो मेन चीज़ है, जो बहुत कम शब्दों में आपको बताया जा सकता है वो बातें मैं आपको केवल करने आया हूँ। और वो बिंदु बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, फिर हम लोग एक क्या हर सेक्शन से कितने नंबर हम लोग कर सकते हैं, क्या सेफ स्कोर होगा, सारे बारे में एक एक चर्चा करेंगे। पहले बिंदु तो ये है आपकी कि ये जो पेपर करा रही है वो NSEIT करा रही है, और NSEIT इससे पहले भी UPSI का पेपर 2016-17 वाला कराई थी लेकिन तब लीक हो गया था और उसके द्वारा कोई भी पेपर हमें मिला भी नहीं था, ये बात भी उतनी सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई छोटी बहुत छोटी कंपनी नहीं है, दो मिला था TCS और NSEIT को, लेकिन NSEIT फाइनल की गई है और ये इससे पहले भी परीक्षाएं कराती आ रही हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की भी परीक्षाएँ कराती आ रही हैं, क्योंकि सारे पैरामीटर पर ये फिक्स बैठे थे। अभी देखा जाए इस कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब ये क्वेश्चन बनाती है, जो सिलेबस बनाती है क्वेश्चन पेपर, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाती है। और ये बहुत ज़रूरी बात है जो मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपकी रणनीति केवल इस पॉइंट पे डिपेंड करेगी कि NSIT जो पेपर करा रही है उसके पास कितने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक होंगे। कहने का मतलब जो दूसरा हमारा पॉइंट होगा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक के रैंडमनेस पे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, और एक नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट जो होगा वो हमें तीन पॉइंट हमें शुरू में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर हम जाके इसके क्या करेंगे हम लोग देखते हैं हर सेक्शन में कितना कर सकते हैं। तो आपके पास 40 40 40 40 आपके पास चार सेक्शन है यहाँ पे, अगर आपको मैं अलग से लिख दूं, और यहीं पे मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि आपको कैसे चीजों को करते हुए चलना है। चार सेक्शन अलग अलग ले ले, एक सेक्शन आपका हिंदी का है, एक सेक्शन आपका मैथ्स का है, और मैथ्स के साथ मेंटल एबिलिटी है, यानी कि आपकी क्या है जो मानसिक योग्यता वाली परीक्षा है ना, मेंटल एबिलिटी की बात कर दें। तीसरा आपका रीजनिंग है, रीजनिंग में तीन सेक्शन है, एक आपका IQ है रीजनिंग है, और एक आपका क्या है वहाँ पे मानसिक अभिरुचि भी इस सेक्शन में है। चौथा आपका सेक्शन करंट अफेयर्स का है, और यहाँ पे क्या है GS का है, सामान्य अध्ययन, या ऐसा बोल दूं यहाँ पे पॉलिटी है ना, संविधान, और उसके बाद मूल विधि, और आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स और GS एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है। तो तीन सेक्शन आपका ये पूरा GS वाले में तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को। सभी को पता है कि यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन आने हैं, और जब 40-40 क्वेश्चन यहाँ पे आने हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 14 क्वेश्चन सभी में अनिवार्य हैं, और यहीं पे हमें सेफ स्कोर देखना होगा कि आखिर सेफ स्कोर क्या होगा, ओवरऑल आपका कितना है ये भी आपको पता है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा देखते हैं सेक्शनल कट ऑफ जो 14 दिया हुआ है। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे सेफ खेल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके बोर्ड पर सिलेबस पैटर्न और ये सब कुछ दिख रहा है इसका एक केवल फोकस ये है कि जो आपकी परीक्षा हो रही है वो NSEIT करा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे संस्थाएं भी ऐसी बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली लास्ट टाइम में जब आपकी तैयारी होती है तो आप बहुत को ठोक बजा के चलना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पैटर्न पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, या इससे पहले जो TCS ने पेपर करवाया था उसके आधार पे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे सीधा बोलूँगा कि आप अगर ऐसा कर रहे हो तो शायद बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि लोग तो आपको ये बता देते हैं क्या करना है, ये आपको कोई नहीं बता देता है क्या
नहीं करना है। और एक रणनीति विशेष तब हो पाती है, एक बहुत ही सोची समझी रणनीति तब होती है जब आपको यह भी पता हो क्या करना है और यह भी पता हो क्या नहीं करना है। पहली बात तो एक बार समझिएगा कि पिछले पेपर का पैटर्न इस बार कोई मतलब नहीं रखता, पिछले बार का कट ऑफ इस बार कोई मतलब नहीं रखता, पिछले बार कितने ज्यादा सेफ स्कोर था यह भी कोई मैटर नहीं रखता, इस बार सारी चीजें अलग हैं और सारी चीजें अलग केवल इस कंपनी के द्वारा हो रही है, यह बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम देखें इससे पहले जितने भी पेपर मिलते हैं तो वो क्या है NSEIT सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत चलता है। और ये बात जो हम और प्रूफ के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर आप यहाँ पे देखो, हाँ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि जो आपका पुलिस भर्ती बोर्ड था, है ना, पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो आपका टेंडर पास किया था, टेंडर पास करने में जो दो कंपनियां फिल की थी उससे उसने क्या टर्म्स रखे थे आपके सामने कंटेंट को लेकर पेपर को लेकर। जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा पेपर आपका 22 दिन होगा, दो शिफ्ट में होगा, 44 शिफ्ट में होगा, तो क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा जा सकता है। क्वेश्चन बैंक जैसा मेरा अनुमान था कि अगर अभी सारी कैलकुलेशन लोग यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन हम उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर आयोग ने क्या किया था। उसने बोला था कंटेंट के लिए, और कंटेंट के लिए जो ये NSEIT ने उसके लिए वो मांगा था, क्लियरेंस मांगा था कि आप प्लीज शेयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर पेपर मिनिमम एंड मैक्सिमम, प्लीज कंफर्म टोटल मॉड्यूल्स फॉर विच क्वेश्चन पेपर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, प्लीज कंफर्म ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर डिफरेंट एग्जाम मॉड्यूल्स। डिफरेंट एग्जाम मॉड्यूल बताता है कि आने वाली सारी परीक्षाएं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जानी है वो NSEIT ही करवाएगा, कोई अलग संस्था नहीं होगी। उसके बाद MCQ का होगा, ये था बाकी। और इसके लिए जो बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ये हम क्या करेंगे जब एजेंसी सेलेक्ट हो जाएगी, उससे हम कॉन्फिडेंशियल मैटर है, हम यहाँ पे सबके सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, वहां पे बताएंगे। लेकिन इससे ये बात पता चल गई, यहाँ पे थीम ये है कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करती है वो कौन करती है, एजेंसी करती है। वही एजेंसी आपका एडमिट कार्ड जारी करेगी, वही एजेंसी आपका पेपर फॉर्म भरवाएगी, वही एजेंसी आपका क्वेश्चन पेपर तय करेगी, उसी का क्वेश्चन बैंक होगा, वही आपका रिजल्ट निकालेगी, वही आपकी मेरिट बनाएगी, और वही आपको अगले जो क्योंकि आपकी जो दूसरी कड़ी है वहां पे आपको दौड़ करनी है, तो वो वहां पे दूसरी एजेंसी आ जाएगी, वहां पे NSEIT का रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरिट लिस्ट निकाल के और कितने लोग दूसरे चरण के लिए सेलेक्ट होते हैं वहां तक रोल इस कंपनी का रहेगा, ये बात आपको समझना है। इसके अगर हम अगली लाइन में देखें तो ये UPPR BP ने बोला था कि भाई आप कम से कम 10,000 क्वेश्चन बैंक तैयार रखो। ये 10,000 कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 10,000 यूनिक क्वेश्चन तो पहली बात कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। अभी अगर हम पिछली बार UPSI का जो पेपर हुआ था, जो TCS कराया था, उसके पेपर पैटर्न को देखें तो सिलेबस के एकदम अगेंस्ट में पेपर था। रीजनिंग का सेक्शन देख लें, इनपुट आउटपुट कहीं सिलेबस में जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन डाले। मैथ्स में कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय का, प्रायिकता का, स्टेटिस्टिक का, या अल्जेब्रा का, बीजगणित की बात करें, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, इन सब पोर्शन का कभी ना पिछली बार सिलेबस में जिक्र था ना इस बार सिलेबस में जिक्र है, फिर भी TCS ने वो सारे क्वेश्चन डाला था। कारण क्या है? अभी ये केवल NSEIT के द्वारा है, वो इतनी ज्यादा इम्पेशेंट बोल सकते हैं कंपनी है, या इतनी ज्यादा नर्वस कंपनी है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे कंपनी है जो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है। उसने क्या बोला कि क्या सर हम 10,000 ही क्वेश्चन बैंक तैयार करें, या ऐसा भी हो सकता है कि जितने फॉर्म आ जाए, जितने क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हो, उसका 2 गुना या 3 गुना ही क्वेश्चन बना ले, उससे काम बन जाए। यानी कि मिनिमम आपको 10,000 क्वेश्चन बैंक बनाना ही है, प्लस जितने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट हो उससे 2 गुना 3 गुना वो बनाने के लिए तत्पर थी NSEIT तैयार वो। और आयोग ने बोला ठीक है आप ऐसा करो, बाकी हम जब एजेंसी सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे हम ये डिस्कस कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अभी यहीं पे इसके नीचे TCS का भी जवाब है, और TCS ने इन्हीं सारे पॉइंट पे अगर आप देखो तो अपनी मनमानी किया है। क्वेश्चन पेपर ऑथराइजेशन सिंस द कंटेंट इज इन विडेंस स्कोर, प्लीज स्पेसिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन पेपर, बस वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, वो कहीं क्वेश्चन बैंक के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है, वो सीधा बोल रहा है हम आपको मेल देंगे और मेल के थ्रू बात कर लेंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन उसने अपना दे दिया, और अगर यहां पे देखें, हां फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात किया, बाकी जो कंटेंट की बात किया वो सारे में एक ही मैसेज दे रहा है कि हम आपको मेल करेंगे और ये हो जाएगा। तो इससे आपको एक बात जो पता लगती है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक बात जो आपको पता लगती है वो ये पता लगती है कि अगर दो कंपनियों को, दो पेपर को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को कंपेरेबल वे में हमें करने की जरूरत है, तभी आप चीजों को समझोगे। अगर हम ये प्रीवियस ईयर पेपर देखें, प्रीवियस ईयर पेपर करें, और इस बार अपकमिंग पेपर की बात करें जो आपका होने जा रहा है, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, यही से हमारी रणनीति बन जाएगी।
ऐसा समझो कि अगर आप ये बात समझ गए तो एक बच्चा जो एकदम फ्रेशर है, जो एकदम तैयारी नहीं किया, आने वाले 45 दिन में वो रैंक ला सकता है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई। एग्जैक्टली लोग क्या बता रहे हैं, अगर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी इससे पहले देखे, बहुत सारे संस्थाओं के वीडियो देखे कि लोग आके रणनीति में बच्चों को सही बता रहे हैं या गलत बता रहे, कहीं ऐसा तो नहीं भटकाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ वो पुराने पैटर्न पे ही लेके चल रहे हैं। कोई उनकी डीप एनालिसिस नहीं है, कोई उनका वहाँ पे R&D की टीम नहीं है, आराम से बस जो मन में आया कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, प्रीवियस ईयर पेपर में अगर देखें तो ये TCS संस्था कराई थी, और TCS संस्था क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, और इस कारण से इसके पास लाखों लाख में इसके पास क्या है, क्वेश्चन बैंक है। और ये कंपनी आज के समय में इतनी बड़ी है कि ये क्या करती है, ये अपनी मनमानी करती है, उसने सिलेबस को नहीं देखा, उसने जो मर्जी आया उसे केवल जल्दबाजी में 40-40-40-40 क्वेश्चन प्रूफ करना था, उसने देखा मैथ, अच्छा मैथ में ये होगा, कहीं भी पूरे 40 क्वेश्चन में, क्योंकि मैथ का अगर आप सिलेबस देखोगे, ये अगर आप मैथ का सिलेबस देखो तो मैथ के सिलेबस में दो पार्ट यहां पे बताया गया हुआ है, कौन सा पार्ट, अगर देखो यहां पे गणित देखो तो इसमें दो पार्ट है, का संभाग और खा संभाग। का संभाग में क्या कह रहा है, का में कह रहा है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, और खा में कह रहा है मानसिक योग्यता परीक्षा, मतलब मेंटल आपका यहां पे क्या है, एबिलिटी टेस्ट है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, और अगर हम NSEIT की बात करें तो वो सिलेबस टू सिलेबस चलेगा, बट प्रीवियस ईयर पेपर में इस वाले पोर्शन से सिंगल क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन नहीं था, मतलब इस पूरे सिलेबस को क्या किया गया था, इग्नोर किया गया था। सेम अगर आप रीजनिंग वाले पोर्शन को देखोगे तो ये पूरा का पूरा उसने क्या किया था, पूरा इग्नोर किया था, जो मन में आया था वो किया था, और इसका कारण भी केवल यही है, कारण ये है क्योंकि ये संस्था बहुत ही ज़्यादा मनमानी करती है, ये एजेंसी बहुत ज़्यादा मनमानी करती है। लेकिन इस बार सीन आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सीन डिफरेंट क्यों है, इस बात को हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा करवा रही है NSEIT, जो स्टॉप एक्सचेंज की एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और इसे कम से कम 10,000 जो क्वेश्चन बैंक बनाने हैं, या फिर दो गुना या तीन गुना, अभी हम इसे देख लेते हैं, दो गुना या तीन गुना क्या है भाई, उसने क्या बोला, 22 दिन में पेपर होगा, दो शिफ्ट में होगा, टोटल 44 शिफ्ट होंगे, एक शिफ्ट में 160 क्वेश्चन होंगे, 160 गुणे अगर हम 44 करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सीधा कैलकुलेशन कर लें तो 16 चौके 64, मतलब कि 7,000 के अप्रॉक्स उसे एक बार पेपर कराने को होगा, और अगर वो दो गुना या तीन गुना होगा तो 14,000 मिनिमम, और मैक्सिमम कितना, वो 21,000 क्वेश्चन बनाने के लिए तत्पर है, कौन सी कंपनी, NSEIT कंपनी, ये बात समझिएगा। और 21,000 यूनिक क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो 21,000 यूनिक क्वेश्चन नहीं बनाने जाएगा। अब क्योंकि UPPRVP ने क्या बोला कि आप 10,000 क्वेश्चन बैंक बनाओ, उसने क्या बोला कि मैं 14,000 बना सकता हूं, तो इन दोनों के एवरेज के बीच में क्वेश्चन उस बैंक उसके पास होंगे, मतलब हम मान सकते हैं 10,000 से लेके 12,000 के बीच में उसके पास क्वेश्चन बैंक होंगे। लेकिन 10,000-12,000 क्वेश्चन बैंक मेरे भाई इतना आसान चीज नहीं होती है। तो इससे एक कंक्लूजन आपका यहां पे ये निकल रहा है कि जो आपका क्वेश्चन होगा, आपके 22 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होने लगेगा, क्या होगा, रिपीट होने लगेगा। क्योंकि अगर हम यूनिक क्वेश्चन की बात करें तो 12,000 अगर हम एवरेज ले लें तो 12,000 में से जो यूनिक क्वेश्चन होंगे वो उसके पास कितने होंगे, 3,000 से 4,000 क्वेश्चन होंगे, चारों संभाग मिला के, चारों पोर्शन मिला के, और 3,000-4,000 के बाद रिपीटिशन होंगे, मतलब कि हर क्वेश्चन का एक एक दो दो कॉपी, केवल डिजिट चेंज होगा, केवल उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो चाहे GS का संभाग हो, चाहे हिंदी का संभाग हो, टॉपिक सेम होगा, मतलब कि और क्या होगा वहां पे, केवल क्वेश्चन का थोड़ा वहां पे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक बात समझना है कि जो बच्चे भैया आप 45 दिन में लास्ट में तैयारी कर रहे हो, वो सारी चीजें भूल जाओ, एक बात अपने दिमाग में रख लो कि 99% चांस ये है कि आपका जो पेपर होगा पर सिलेबस बेसिस पे होगा, मतलब कि ये सिलेबस टू सिलेबस, टॉपिक टू टॉपिक चलेगा, और 1% चांस है कि प्रीवियस ईयर नहीं होगा। और अगर प्रीवियस ईयर नहीं होगा तो बहुत सारे चैप्टर आपको मैथ में भी नहीं पढ़ने, बहुत सारे चैप्टर आपको रीजनिंग में भी नहीं पढ़ने, बहुत सारे चैप्टर आपको हिंदी वाले संभाग में और GS वाले संभाग में भी नहीं पढ़ने हैं। अगर हमें 14 क्वेश्चन सेक्शनल कट ऑफ करना है, लेकिन ये केवल 14 यानी कि 56 क्वेश्चन कर लेने से आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 160 क्वेश्चन है,
इनमें से मिनिमम आपका 120 प्लस 130 प्लस टारगेट होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। थोड़ा सा सारे बच्चे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो 160 में से कम क्वेश्चन करके आएगा, अटेम्प्ट सभी के 160 में 160 होंगे। उसमें जिसकी किस्मत ज्यादा अच्छी होगी उसे 10-15 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा, जिसकी किस्मत बुरी होगी उसे 10-15 क्वेश्चन का नुकसान तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट वो जितना रियल में करके आएगा, अपने नॉलेज भर का करके आएगा, उतना ही ज्यादा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक एक संभाग को उठा के देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी संभाग की चर्चा कर लेते हैं, तो एक बात समझिएगा, जब भी हम हिंदी की बात करेंगे, है ना, हिंदी आपका क्योंकि 40 क्वेश्चन है और आपके पास बचे हैं 45 दिन, और इन 45 दिनों में अगर आप सही से रणनीति चाहते हो तो अभी मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे होंगे कि 60% सिलेबस कवर कर लियोगे, और केवल आप यूपीएसआई की तैयारी नहीं करते हो, इससे पहले आपने पीटी की भी परीक्षा दी होगी, वहां पे भी हिंदी पढ़े होंगे, इससे पहले और भी परीक्षाएं दी होंगी, और आपका हिंदी संभाग पहले से तैयार भी होगा। नहीं भी तैयार होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम फ्रेशर होंगे, वो अभी आए होंगे कि अब मैं इस चीज को तैयार कर लूं, तो उनके लिए भी ये हिंदी का पार्ट तैयार करने के लिए मुश्किल से 7 से 8 दिन का सिलेबस है। अगर आप दिन में 8-10 घंटा बैठ के पढ़ लेते हो तो इतनी अच्छी से 7-8 दिन में तैयार हो जाएगा कि हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। एक बात और समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम फ्रेशर है, मतलब उसे हिंदी नहीं पढ़ा, इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा है, उसे भी पेपर दे दिया जाए तो 40 में से कम नहीं तो 15 से 16 क्वेश्चन वो सही कर लेगा। भाई पैसेज के क्वेश्चन हो गए, या फिर आपके कई सब विलोम शब्द हो जाते हैं, आसान से पूछ लेते हैं ना। अगर हम उसके व्याकरण में जाएं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, शुद्धि अशुद्धि की, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही आसान बन जाते हैं, और वहां से बच्चा 15-16 क्वेश्चन सिक्योर कर लेता है। अगर आप पढ़ लेते हो तो भी आप 37 से 38 क्वेश्चन, जो बहुत जिसका बहुत साउंड नॉलेज होगा हिंदी में, वो 37 से 38 करेगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन गलत करेगा, क्योंकि कभी बार ह्यूमन एरर होता है। बात समझिएगा, पेपर में ऐसा नहीं कि आप 40 में 40 अटेम्प्ट करके आए तो सब सही हो जाए, भाई हमेशा कई बार आप क्या करते हो, ह्यूमन एरर के चलते आपने ऑप्शन गलत पढ़ लिया, नहीं का हाँ पढ़ लिया, हाँ का नहीं पढ़ लिया, तो 2-3 क्वेश्चन सबसे गलत होने का है, वो चाहे टॉपर ही हो तो भी वो 37-38 कर पाएगा। मतलब एक जीरो बच्चा 15-16 कर रहा है, एक टॉपर बच्चा 37 से 38 क्वेश्चन कर रहा है, अंतर कितने का है, 20 क्वेश्चन का। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो इस 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आप आराम से एक्स्ट्रा सिक्योर कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर आप हिंदी संभाग को देखो तो एक नॉर्मल स्टडी में एक फ्रेशर जो बच्चा है, जो फ्रेशर बच्चा है वो अगर थोड़ा सा पढ़ ले तो भी 30 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेगा, और जो एक बहुत अच्छा बच्चा जिसकी तैयारी पहले से भी है वो 35 प्लस बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। और आपको ये दोनों लेके चलना है, 30 प्लस उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ और क्या है रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, वो इधर 30 प्लस आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बच्चा जिनका ये पार्ट थोड़ा सा वीक पड़ता है उसको 35 प्लस तो यहाँ पे स्कोर करना ही करना है, ये आपके हिंदी के भाग रहा। अभी अगर हम यहाँ पे हिंदी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स के पार्ट पे आते हैं, और अगर मैथ्स का पार्ट करें, चलो पहले जीएस का पार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मेहनत नहीं करनी है उसकी बात कर ले रहे हैं, तो जीएस पार्ट में भी आपको मेहनत नहीं करनी। क्यों मेहनत नहीं करनी है, इसमें आप केवल और केवल एक पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लो और आप मूल विधि अच्छे से पढ़ लो, अगर ये दोनों पढ़ लेते हो तो क्योंकि आपके इस पूरे में 3 संभाग है और 40 क्वेश्चन है, 40/3 किया जाए तो लगभग 13 और 14 क्वेश्चन ऑन एवरेज सारे टॉपिक से बनेंगे, लेकिन क्योंकि मूल विधि से 13-14 क्वेश्चन बनाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसके क्वेश्चन लगभग 10-10 होंगे, एवरेज हो सकता है 11 हो जाए, हो सकता है 8 हो जाए, लेकिन हम 10 के अप्रॉक्स में लेके चलेंगे, और जो इसका क्वेश्चन होगा इसका क्वेश्चन 12 ही 13 बनेगा। इस बार जीएस के क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है, पिछली बार कितना बना था, 16 बना था, पिछली बार भी एवरेज से ज्यादा बना था, इस बार भी एवरेज से ज्यादा बनेगा, लेकिन ये हो सकता है 16 की जगह 18 से 20 को भी टच कर जाए, या हो सकता है 16 ही रहे, उसमें हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। बट आपको जीएस एकदम नहीं पढ़ना है, और अंतिम के 40-45 दिन में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपको समझते हुए चलना है कि पेपर सिलेबस टू सिलेबस होगा। और एक बार अगर हम सिलेबस की चर्चा करें, यहाँ पे ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। जैसे मूल विधि में क्या दिया, पहले तो दिया हुआ सामान्य हिंदी, ये हुआ मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल विधि में आपने इतनी चीजें आराम से यहाँ पे कवर कर लिए होंगे, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, और सबसे बड़ी बात जानते हो कि जो स्मार्ट बच्चा होता है ना, आप लोग क्या करते हो, वेट करते रहते हो कि यार कोई मुझे मूल विधि पढ़ा देता, कोई मुझे संविधान पढ़ा देता, कोई मुझे जीएस में ये टॉपिक पढ़ा देता, क्योंकि जीएस में कुछ टॉपिक बहुत अलग हैं। जैसे इसमें क्या किया है, अभी आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, यहाँ पे FDI, ये आप यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा, क्योंकि आयोग ने मेहनत नहीं करना चाहिए है सिलेबस को, जो पिछला वाला सिलेबस था
वही सिलेबस दे दिया था। इस बार भी एफडीआई दे दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस बार फिर विश्व भूगोल ये हो गया। बाद में क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, ये तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर लें थोड़ा सा और जीएस के कॉमन से क्वेश्चन की बात कर लें जो पिछला वाला ही पूरा का पूरा कॉपी करके दे दिया है। और अगर 16-17 क्वेश्चन यहाँ पे बनने तो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही उठेगा, ज्यादा नहीं उठेगा। अब आप ये समझो कि एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़े, एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा क्या पढ़ना पड़े, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़े, एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा भूगोल पढ़ना पड़े, एक क्वेश्चन के लिए इससे ज्यादा कहीं ज्यादा आप बुद्धिमानी ये है कि पूरे सिलेबस में दो पार्ट सबसे ज्यादा है। एक क्या है, एक आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। अभी आप पूरे 40 क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं 16-17 क्वेश्चन जीएस के होंगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन केवल किसके होंगे, यूपी के होंगे, 3-4 क्वेश्चन करंट के होंगे और ये करंट अफेयर्स जो होगा ये भी यूपी रिलेटेड होगा या पुलिस संभाग से रिलेटेड होगा, ये बात भी उतनी सत्य है। मतलब कि अगर आप यूपी और यूपी का करंट केवल तैयार कर लेते हो तो आपका कम से कम 8-10 क्वेश्चन आराम से इस पार्ट में तैयार हो जाएगा, किसमें, 16-17 में। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, उतनी एनर्जी आप बचाइए और आप रीजनिंग वाले पोर्शन में दीजिए क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा है। ये बात समझिएगा, पूरे पेपर का 30% लगभग 30-32% केवल रीजनिंग संभाग कर रहा है क्योंकि मैथ्स में भी रीजनिंग है, रीजनिंग में भी रीजनिंग है। तो आपका वहां पे 25% तो अपना वहां पे लिया ही लिया आपने संभाग का और बाकी कुछ पोर्शन मैथ्स से भी ले लिया तो उसका 30% के अप्रॉक्स में कहां चला जा रहा है, केवल और केवल रीजनिंग का पोर्शन बन जा रहा है। इतनी बात आप यहां पे समझते हुए चलिएगा। 40 और 20 60 क्वेश्चन टोटल कितने में से, 160 में से, तो 60/160 अगर आप कर लो तो यहां पे कर सकते हो कि कितना परसेंटेज ये बनेगा। आपको बात समझ में यहां पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए रीजनिंग में ज्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर वहीं पे करना है, कहां पे, अपने जीएस वाले पोर्शन में बचा के। लास्ट के 40 दिनों में जीएस एकदम रिकमेंडेड नहीं है, एकदम जीएस रिकमेंडेड नहीं है। इसके लिए भैया मैं आपको खुद बोल दे रहा हूँ, रामबाण की पीडीएफ जैसे पीटी में दिया था, पूरे जीएस का मैंने पीटी में निशुल्क कर दिया था, आप लोगों के लिए निशुल्क कर दूंगा। लास्ट टाइम में केवल पढ़ना है और अगर कोई इस पीडीएफ को पढ़ लिया ना तो जीएस वाले संभाग से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं वो फुल के फुल क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी लेता हूं। तो जीएस पोर्शन के लिए परेशान नहीं होना है। आपको क्या पढ़ना है जीएस वाले पोर्शन में, आपको मूलविधि संविधान पढ़ना है, यूपी पढ़ना है, करंट पढ़ना है, कंप्यूटर भी नहीं पढ़ना है, वो भी एक दो क्वेश्चन कॉमन आएगा, आप कल ले जाओगे, इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा वो आप देख लोगे तो हो जाएगा। तो अगर हम केवल इस संभाग की बात करें, जीएस संभाग की बात करें, तो आपको यहां पे मूल विधि पे ध्यान देना है, यानी मूल विधि पे कम से कम अगर 8 क्वेश्चन देखा जाए, अभी यहीं पे पॉलिटी की बात किया जाए तो 10-12 क्वेश्चन, और ये हो गया 12-20 क्वेश्चन इधर हो गया, तो लगभग 18-20 क्वेश्चन जो आपका है वो कितना आएगा, वो आपका 8-10 यहां पे कर ले रहे, तो 18-20 क्वेश्चन जीएस है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आप यूपी पढ़िए, करंट पढ़िए और करंट अफेयर्स में भी यूपी ज्यादा पढ़िए, और उसके बाद आप क्या पढ़िए, रामबाण जो मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ वो आप अच्छे से पढ़ दे, ये मैं कुछ ही दिन में उसे डलवा दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक लगी हुई है वहां से आप ले लोगे तो आपको मिल जाएगा, या परीक्षा प्लस ऐप से भी फ्री में लगा दूंगा यूपीएसआई वाले कोर्स में कि सारे बच्चे उसे डाउनलोड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, ठीक है ना, जो कोर्स चल रहा है यूपीएसआई का उसमें मैं लगा दूंगा, तो परीक्षा प्लस ऐप से भी कर लेंगे। इसमें आपको करना है 10-12 पॉलिटी, और पॉलिटी छोटा विषय है, बहुत बड़ा विषय नहीं है, आप 40 दिन में कम से कम 4 बार पढ़ सकते हो, और इस 10-12 में आप फोकस करो कि कम से कम 8 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने। अगर ये इधर सही हो जाते हैं, इधर मूल विधि में आप 5-6 ही क्वेश्चन सही कर पाते हो, तो आप केवल इतना पढ़ने से 8-6-14 और कम से कम इधर 13-14 आराम से कर सकते हो, यानी कि 28-30 क्वेश्चन 40 में से बहुत आराम से जीएस वाले संभाग में कर सकते हो, और अगर इससे ज्यादा अगर आप करने का प्रयास करोगे, इसका मतलब कि आप जीएस पोर्शन में समय ज्यादा दे रहे हो, तो जो आप 3-4 क्वेश्चन बढ़ाओगे इधर, उससे ज्यादा कहीं मैथ्स और रीजनिंग में अपना क्वेश्चन गंवा दोगे। तो रणनीति यही कहती है कि जो छोटे पोर्शन है, हिंदी हुआ और जीएस हुआ, यहाँ पे कम मेहनत है क्योंकि जीएस में आपको
कन्वेंशनल जीएस नहीं पढ़नी है, और आपको टॉपिक वाइज आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठा के जितने टॉपिक उसमें मेंशन है सब उठा के पढ़ जाइए, है ना। छोटी छोटी टॉपिक, जो अच्छा बच्चा होता है वो यही करता है, वो कहीं यूट्यूब के वीडियोज के चक्कर में नहीं कि 5 घंटा मैराथन 10 घंटा मैराथन, उससे कुछ नहीं होगा, उससे एक फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको प्रीवियस ईयर पे करा रहे हैं और ऐसा एकदम नहीं होने वाला है, ये आपको समझ में आना है। कहने का मतलब अगर हम केवल हिंदी और जीएस संभाग को ले लें तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम का 30 इधर मैं ले रहा हूँ, मिनिमम का 28 यहाँ पे ले रहा हूँ, यानी 58 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेफ हो गया है। और ये 58 कितने में से सेफ हो गया है, 80 में से, और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि मिनिमम में बोल रहा हूँ, ऑप्टिमम नंबर है कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा मेहनत करके कर सकता है, वहीं पे थोड़ा अगर आप ये मेहनत और कर लोगे तो ये आपका पहुंच जाएगा 66 से 70 पहुंच जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा स्कोर हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आपका 40 दिन में प्रैक्टिकल नहीं रह पाएगा, 45 दिन में, ये बात भी समझना है। अब आते हैं आपके पास दो मेन पोर्शन, तो भैया मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं आपको साफ साफ एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वो ये बताना चाहूँगा कि आप केवल और केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। पिछली बार पीएनसी पूछा था एकदम मत पढ़ो, पिछली बार प्रोबेबिलिटी पूछा था एकदम मत पढ़ो, प्रायिकता की बात कर रहे हैं, एलजेब्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तब पढ़ो जब आपकी तैयारी 80 से 85%, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एकदम मना कर रहा हूँ मत पढ़ो, शौक लगी है पढ़ लो, लेकिन तब जब आपको पता हो कि मेरी 80 से 85% तैयारी है, मेरे पास समय एक्स्ट्रा है और मैं रैंक लाना चाहता हूँ, सिलेक्शन आपका ध्येय नहीं है, आपका ध्येय क्या है, रैंक है, तब आप जाके इन पोर्शन को करो, और आपका ध्येय केवल सिलेक्शन है, आप कंधों पे केवल 2 स्टार देखना चाहते हो, तो इन 40-45 दिन में अभी इस पर दिमाग मत लगाओ, मेरी बात मानो, इससे शायद एक भी क्वेश्चन आए, और मैं कह रहा हूं आ भी जाएगा तो कितने ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन, इन 4 से 5 क्वेश्चन के अगर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे तो आपसे 5 का 6 दिन ले जाएगा, और 5-6 दिन आप उस 5-6 दिन में रीजनिंग का कम से कम 30% से 40% सिलेबस कवर कर सकते हो, पूरी हिंदी खत्म कर सकते हो, और जीएस को अगर स्ट्रेटेजी चलो तो आधी जीएस खत्म कर सकते हो। तो आप क्या बुद्धिमानी है, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा बुद्धिमानी है कि उसी टाइम में आप वहां पे 15 से 20 क्वेश्चन स्कोर कर लोगे, उसमें बुद्धिमानी है, डिसाइड आपको करना है, मैं आपको केवल सारे के सारी चीजें यहां पे आपको बता दे रहा हूं। पढ़ना क्या है आपको, फिर मैथ में जितना आपको सिलेबस दिया है, एक आप नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से तैयार करो, उसके बाद आप एरिथमेटिक, मैंने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से एरिथमेटिक, आपका एसआई लेवल में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है, इतनी जबरदस्त पढ़ाया हूं कोर्स में, तो नंबर सिस्टम एरिथमेटिक और मेंसुरेशन में केवल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब कि एरिया वाला और वॉल्यूम वाला, ये दोनों आप अच्छे से सारे देख लो, और इतने में ही आपके कम से कम 40 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, 20 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी घटना हो जाए कि एकदम अलग डाल दे, लेकिन डालेगा नहीं, 100% चांस यही है कि 20 क्वेश्चन मैथ आपके होंगे एसआई में, और इस 20 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पार्ट अरिथमेटिक नंबर सिस्टम और एक एक क्वेश्चन 2D और 3D के होंगे। तो बुद्धिमानी से काम लो, और इस 40 में से अगर ऐसे चल लिए ना, लोग आपको बोल रहे 25 स्कोर करने को, मैं बोल रहा हूं अगर आप इस रणनीति से कर लिए तो आप 30 से 32 आराम से क्वेश्चन 40 में से कर सकते हो बहुत आसानी से। और इतना एक बात और समझिएगा, इस बार पेपर बहुत टफ भी नहीं आने वाला है, पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, कोई भी पेपर होता है, पेपर कोई भी हो, अगर उसमें 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन बेहद आसान लेवल के होंगे, आपके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे अगर पेपर थोड़ा टफ है, और मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन क्या होंगे, टफ लेवल के होंगे। ये आपका सिलेक्शन नहीं करवाता, आपका जो सिलेक्शन करवाता है वो आपका ये करवाता है, ये सिलेक्शन करवाता है, अरे 40 से 50 क्वेश्चन इधर जोड़ लो और 30 से 40 इधर जोड़ लो, यानी अगर मिनिमम जोड़ लें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे परसेंट की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात नहीं, परसेंट की बात कर रहा हूं, 80% क्वेश्चन आप केवल इन दोनों संभाग से पूरा कर सकते हो, और अगर 80% क्वेश्चन यहां से आपका कवर हो गया तो कहने का मतलब ये कि आपका सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। तो इधर दिमाग नहीं लगाना है रणनीति में, आपको इसमें दिमाग लगाना है। तो आप अगर मैथ्स पोर्शन करोगे तो 30 प्लस वहां पे स्कोर करने की कोशिश करो, और रीजनिंग आपका, रीजनिंग जो आपका है ना, यहां पे 20 क्वेश्चन 20 ही आएगा, हम 20 में कर देते हैं कि अगर इसे आप 18 प्लस करना चाहो तब की बात है, पूरे भाग में जब ज्यादा तब होगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग वाला यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है वो पूरी की पूरी रीजनिंग है। अगर आप सिलेबस देखो तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा रीजनिंग ही है, ये आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, है ना। हाँ, ये वाला पार्ट
इसमें क्या दिया हुआ है, पूरा परसेप्शन टेस्ट और आपका शब्द रचना परीक्षा और फिर व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये सारे आपके ये पूरा रीजनिंग पोर्शन है और ये पोर्शन आप आसानी से नंबर उठा सकते हो। तो आप ऐसे समझो मैथ के 40 वाले को अगर 20-20 में डिवाइड किया जाए तो इस 20 में से आप 15 प्लस तो बहुत आराम से मिनिमम बच्चा स्कोर कर सकता है अगर रणनीति से चला, और इस 20 में भी आप कम से कम नहीं तो 17-18 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो 30 से 32 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मैं कह रहा हूं मैथ किसी की वीक है तो यहां पे एक दो क्वेश्चन कम हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा, तो भी आपका 28 से 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और मिनिमम अगर 28 से 30 क्वेश्चन यहां पे ले ले तो हिंदी वाले पार्ट में अगर जोड़ ले यहां पे, हां यहां पे अगर जोड़ लें कितना 28 से 30 क्वेश्चन ही जोड़ लें तो हमारे पास कितना हो जाएंगे यहां पे करीबन 160 में से हम 95 से 100 क्वेश्चन के बीच में आ जाएंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग है और रीजनिंग बेहद आसान होती है, बस आपकी उस पर क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। और अगर मैं कह रहा हूं क्या अब आप रीजनिंग में 60 में से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, अरे 20 क्वेश्चन का बच्चा तो 60 में से यहां पे 50 प्लस करने की बात कर रहा है। तो अगर देखा जाए मिनिमम एवरेज देखा जाए, एक बात यहां पे ये ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है कि आप सबको एवरेज डिवाइड करो 40-40-40-40 है तो समय 25-25-25-25 करो, ऐसा नहीं है। यहां पे वो पोर्शन थोड़ा गलत हो जाएगा, जहां पे मेहनत कम लगनी है, जहां पे थोड़ा आप बच सकते हो, ऐसा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, एक आपका होता है ज्यादा मेहनत करो 4 क्वेश्चन करो, एक होता है उतनी मेहनत में 40 क्वेश्चन करो, तो ज्यादा अच्छा क्या है उतनी मेहनत में 40 क्वेश्चन वाला, तो आपको वो करना है जहां पे उतनी मेहनत में 40 यानी सबसे ज्यादा। अभी आप रणनीति से चलो तो रणनीति से अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, रणनीति से बताना चाहूं आपको सबसे ज्यादा समय किसमें देना है, सबसे ज्यादा समय रीजनिंग में करना है और रीजनिंग उसके बाद फिर किसमें देना है, मैथ्स में देना है इन 45 दिनों में, उसके बाद आपको हिंदी देना है और उसके बाद आपको जीएस देना है, जीएस में आपको यूपी देना है, करंट देना है, करंट में यूपी पार्ट सबसे ज्यादा देना है, और उसके बाद जो आपका रामबाण आपको मैं पीडीएफ दूंगा वो आपको पढ़ना है। इतना पोर्शन अगर आप कर लिए तो 160 में से 120 से 125 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं और ये आपका सिलेक्शन करवा देगा, ये आपका सिलेक्शन करवा देगा। तो यहां पे मैं इस वीडियो को यहीं पे थोड़ा समाप्त करना चाहूंगा। बाकी कैसे दैनिक आपकी रणनीति हो सकती है, कैसे समग्र रूप से आप चलते चलो, क्या आपका मैच्योरिटी होना चाहिए, मैं डेली बेसिस पे आपसे कन्वर्सेशन करने का प्रयास करूंगा। इस कारण से जो बच्चे नए हो सेशन को एक बार क्या कर लो, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि चीजें आपको पता चलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।